शहाबुद्दीन के काफिले में दिखाई दिया मोस्ट वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ, सीवान में शहाबुद्दीन के घर के बाहर भी आया नजर। शहाबुद्दीन और शार्प शूटर पर सीवान एसपी सौरभ कुमार का बयान, दोनों के बीच कनेक्शन की हो रही है जांच, शहाबुद्दीन को जारी हो सकता है नोटिस। शहाबुद्दीन का साइड इफेक्ट, रघुवंश प्रसाद के बयान पर भड़की कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा दिक्कत है तो महागठबंधन छोड़े आरजेडी। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को बताया गठबंधन का नेता, बोले रघुवंश प्रसाद की बात समझ से बाहर। अरे रघुवंश सिंह का बात समझ में नहीं आता है, बार बार इनको समझाते समझाते चूंटी काटते रहता, उस तरह से चूंटी काटते। कावेरी जल विवाद पर हिंसक प्रदर्शन फिलहाल थमे, सुरक्षा बलों ने 350 लोगों को गिरफ्तार किया, हालात काबू में। हालात सुधारने के लिए बेंगलुरु के 16 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। कावेरी जल विवाद पर प्रधानमंत्री ने जताया दुख, कहा कानूनी तरीके से निकाला जाए हल, हिंसा नहीं है समाधान। कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने पीएम से मांगा मुलाकात का वक्त, बुधवार को हो सकती है मुलाकात। कर्नाटक सरकार ने दी कावेरी मामले में अराजकता फैलाने वालों को चेतावनी, कहा लोगों की पहचान की जा रही है, होगी कड़ी कार्रवाई। दिल्ली में चिकनगुनिया का कहर, 24 घंटे में 5 लोगों की मौत, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, इस बीमारी से कोई मौत नहीं। चिकनगुनिया पर पत्रकार के सवाल से भड़के सत्येंद्र जैन, पत्रकार का मोबाइल फेंक कर मारा। चिकनगुनिया पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एमसीडी और एलजी के सिर थोड़ा ठीकरा, कहा दिल्ली में गंदगी नहीं होती साफ। सत्येंद्र के सवाल पर एमसीडी का पलटवार, कहा सरकार के पास बातचीत के लिए वक्त ही नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान, चिकनगुनिया पर दिल्ली सरकार को दी जाएगी हर संभव मदद। दिल्ली में चिकनगुनिया के आतंक के बीच बेंगलुरु के दौरे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल, कुछ मंत्री देश में तो कुछ विदेश दौरों पर। कांग्रेस नेता अजय माकन ने किया दिल्ली सरकार के खिलाफ 16 सितंबर को भगोड़ा मार्च का ऐलान, 70 विधानसभाओं में होगा विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा बीमारी पर विपक्ष कर रहा है राजनीति, ये दिल्ली के साथ खड़े होने का वक्त है। आम आदमी पार्टी विधायक देवेंद्र सहरावत ने पंजाब उम्मीदवारों पर लगाए महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप, कहा अपनी अय्याश मंडली पर मेहरबान है केजरीवाल। विरोध में बोलने पर आम आदमी पार्टी ने देवेंद्र सहरावत को किया पार्टी से सस्पेंड, सहरावत ने ट्विटर पर लिखा केजरीवाल में नहीं नेतृत्व का गुण। ईद के दिन भी जम्मू कश्मीर के बांदीपुर और शोपियां में हिंसा, 2 युवकों की मौत, 82 पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। घाटी में कई जगह हिंसक झड़पों की खबर, 10 जिलों में लगाया गया कर्फ्यू, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से की जा रही है निगरानी। अनंतनाग के वायलू में प्रदर्शनकारियों का सुरक्षा बलों पर पथराव, कई सुरक्षाकर्मियों सहित 20 घायल। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के हालात पर जताया दुख, बीजेपी पीडीपी गठबंधन पर कहा नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलने से बिगड़े हालात। जम्मू कश्मीर के पूंछ में 4 आतंकवादी ढेर, 2 के शव बरामद, 4 AK-47 राइफल भी बरामद। पूंछ में तीसरे दिन भी जारी रही मुठभेड़, फिलहाल फायरिंग बंद, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, कहा पाकिस्तान ने पीओके को बनाया आतंकवाद का गढ़। पाकिस्तान ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र में उठाया कश्मीर में मानवाधिकार का मुद्दा, UNHRC उच्चायुक्त प्रिंस जैद राद अल हुसैन से की थी मुलाकात। ईद पर पाकिस्तानी पीएम नवाज पर दिया भड़काऊ बयान, कहा कश्मीर की ईद कश्मीरियों को समर्पित। पाकिस्तानी आतंकी सरगना हाफिज सईद भारत के खिलाफ फिर उगल रहा है जहर, वीडियो संदेश में अलगाववादियों की तारीफ में बढ़कर सीधे। बीकानेर में जनधन योजना पर खुलासे के सवाल से कन्नी काटते नजर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कहा मामले पर अध्ययन के बाद देंगे बयान। जनधन योजना को लेकर एक अंग्रेजी अखबार ने किया है बड़ा खुलासा, बिना सरकारी आदेश योजना के करोड़ों खातों में बैंक कर्मचारी जमा करा रहे हैं पैसा।
भ्रष्टाचार पर दो मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद यूपी के चीफ सेक्रेटरी भी हटाए गए, दीपक सिंघल की जगह राहुल भटनागर नए सचिव। मोहन भागवत के मंदिर बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार, कहा जिस मंदिर की बात मोहन भागवत कर रहे हैं वो यूपी का चुनावी मंदिर। भोपाल में मिंटो हॉल से गांधी प्रतिमा हटाने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। खत्म नहीं हो रही कॉमेडियन कपिल शर्मा की मुश्किलें, एफआईआर दर्ज होने के बाद घर पहुंची पुलिस, घर पर नहीं मिले कपिल। अमृतसर में गणेश पूजन के दौरान दो कांग्रेसी गुटों में झड़प, जमकर चली कुर्सियां। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक वमन राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी, अलग विदर्भ राज्य की मांग पर थी कॉन्फ्रेंस। लुधियाना में पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। गुजरात के नवसारी में 17 सितंबर को मोदी की सभा की तैयारी, पाटीदारों के विघ्न डालने का खतरा। रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया स्टार्टअप छत्तीसगढ़ का शुभारंभ, वेबसाइट भी लॉन्च। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई शहरों में आयकर विभाग का छापा, पूर्व मंत्री और रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी। जौनपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के कार्यक्रम में बवाल, माला पहनाने को लेकर बीजेपी के दो गुटों में मारपीट। भरतपुर में आरक्षण को लेकर जाट समुदाय फिर हुआ अलार्म बंद, जाट पंचायत बुलाकर बड़े आंदोलन की चेतावनी। देश भर में मनाया गया बकरीद का त्यौहार, आगरा में ताजमहल में अदा की गई ईद उल जुहा की नमाज। मुरादाबाद में भी धूमधाम से मनाई गई ईद, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अदा की नमाज। अजमेर में ईद उल जुहा पर खोला गया जन्नती दरवाजा, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पेश की गई चादर। पंजाब में हुसैनीवाला बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने पाक रेंजर्स को दी बकरीद की बधाई, पाक जवानों ने बांटी मिठाई। अमृतसर के बाघा बॉर्डर पर पाक रेंजरों ने बीएसएफ जवानों को बकरीद पर दी मिठाई, एक दूसरे को दी मुबारकबाद। अगरतला में भी ईद उल जुहा पर अदा की गई विशेष नमाज, मेन मस्जिद में उमड़ी भारी भीड़। जम्मू में भी बकरीद पर लोगों ने अदा की विशेष नमाज, ईदगाह में लोगों की जुटी भारी भीड़। जमशेदपुर में धूमधाम से मना आदिवासियों का त्योहार कर्मा पूजा, लोगों में दिखा उत्साह। कानपुर में बुढ़वा मंगल पर पनकी मंदिर में भक्तों का लगा तांता, दर्शन के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन। महाराष्ट्र के अकोला में हिरण को निगलता दिखा 10 फीट का अजगर, हैरानी से देखते रह गए लोग। बटिंडा में दहेज की खातिर बहू का कत्ल, पति सास ससुर और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अमरोहा में एक लड़की से छेड़खानी को लेकर दो गुटों में पथराव और फायरिंग, कई जख्मी। आगरा में दलित लड़की ने पड़ोसी युवक पर मारपीट और ब्लैकमेल का आरोप लगाया, मामला दर्ज। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया गया गाजियाबाद से अगवा 13 महीना का बच्चा, 4 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, 2 गाड़ियां भी जब्त। जमानत पर रिहा होने के बाद कोलकाता में हनुमान मंदिर पहुंचे पूर्व मंत्री मदन मित्रा, खुद को बताया निर्दोष। बरेली में पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारकर भाग रहे शख्स की खेत में लगे कटीले तारों में उलझकर मौत, घटना से गांव में हड़कंप। कौशाम्बी में मनचलों के डर से एक छात्रा ने कॉलेज से की तौबा, छेड़खानी का विरोध करने पर तेजाब फेंकने की धमकी। संबल में गाड़ी में सवार बदमाशों ने की नाबालिग लड़की को अगवा करने की कोशिश, बहादुर लड़की जान बचाकर भागने में कामयाब। फिरोजाबाद के इटारी गांव में चिकनगुनिया से दहशत, अब तक करीब 200 लोग बीमारी की चपेट। गुड़गांव में मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़, 3 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार। ग्वालियर के पास सिथौरी रेलवे स्टेशन पर बीती रात दर्दनाक हादसा, पटरी पर बैठे 3 लोगों की ट्रेन की चपेट में आकर मौत। खरगोन में एक महिला टीचर ने शराब के नशे में सड़क पर जमकर हंगामा किया, लोगों की भीड़ जुटी। जबलपुर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान डांस करना एएसआई को पड़ा महंगा, अधिकारियों ने किया लाइन हाजिर।
धमतरी में अपने ही कॉलेज के छात्र से परेशान नर्सिंग की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गुमला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जॉली LLB 2 की शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंचे अक्षय कुमार, एक झलक पाने को बेताब दिखे लोग। साजिद खान और रितेश देशमुख का पहला टीवी शो यारों की बारात, परिणीति चोपड़ा और सानिया मिर्जा होंगी पहली मेहमान। दक्षिण के सितारे धनुष का हॉलीवुड डेब्यू, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ फकीर में नजर आएंगे। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में सनी लियोनी पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री, फिल्म मेकर दिलीप मेहता ने बनाई है। सीरिया में हवाई हमले में ढेर हुआ IS का आतंकी अबू मोहम्मद अल अदनानी, पेंटागन का दावा IS में था नंबर 2। उत्तरी कोरिया के पांचवीं बार परमाणु परीक्षण से अमेरिका खफा, आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी। अमेरिका के मेम्फिस में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, एक घर में आग लगने से 9 लोगों की मौत। चीन के हुनान प्रांत में अमेरिकी डांस ट्रूप का हैरतअंगेज प्रदर्शन, रस्सी के सहारे पहाड़ से लटक कर पेश किया वर्टिकल डांस। सीरिया के में विद्रोहियों ने मनाया ईद उल अजहा, ढोल नगाड़े के साथ किया स्ट्रीट डांस।